गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सोशल साइंस पढ़ेंगे सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे लेसन टवेल्व डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया मतलब भारत का रक्षा सिस्टम या रक्षा व्यवस्था भारत की ठीक है इंडिया फॉर्मली बिलीव्स इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी शी हैज ऑलवेज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ट्राइंग टू रिजॉल्व नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाई म्यूचुअल नेगोशिएशंस एंड पीसफुल सेटलमेंट्स भारत जो है वो मतलब दृढ़ विश्वास करता है किसमें विश्व शांति और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में ठीक है भारत हमेशा प्रयत्न करता है कि जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स से जो भी विवाद है उसको मतलब पारस्परिक जो विचार विमर्श होता है या शांतिपूर्ण जो सेटलमेंट है उसके थ्रू उसको रिजॉल्व किया जाए या उसको हमेशा निपटाने की कोशिश करता है ठीक है भारत जो है Uh, मतलब कि एक्सपेक्ट uh, करता है कि इसी टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो अदर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है है ना उनका भी हो है ना uh, फिर भी मतलब भारत uh, मतलब कि रक्षा उसकी जो रक्षा है या सुरक्षा है उसको लेकर चिंतित है है ना और अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्टेट uh, मतलब कि मजबूत कर चुका हो मजबूत कर चुका है रक्षा सिस्टम को और जो रक्षा व्यवस्था जो है वो और उसकी uh, जो सेना है ठीक है उसको जो भी फिटाइल वार्स है ना जो अनावश्यक युद्ध वगैरह जो होते हैं जो अलग अलग देशों मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में होते हैं ये क्या करते हैं वर्ल्ड पीस को मतलब वर्ल्ड पीस खत्म करते हैं ठीक है और इस चीज को देखते हुए मतलब अनावश्यक जो वार है उसको देखकर हमारी जो मतलब हर एक देश की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है जो स्ट्रांग नेशंस जो है वो उसकी जो बाउंड्री है उसको फॉरेन अटैक से सेफ कर सकता है है ना इसके साथ साथ जो भी मतलब कि म्यूचुअल ऑनरेबल सोल्यूशंस जो है है ना उसके थ्रू डिस्प्यूट्स वगैरह को निपटा सकता है या uh, सुलझा सकता है ठीक है विवादों को है ना uh, इन सब uh, जो व्यूज है इनको माइंड में या फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए uh, मतलब हमारा जो स्ट्रांग भारत के द्वारा मतलब स्ट्रांग डिफेंस सेटअप जो है है ना उसको क्रिएट किया गया है या आ, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है भारत के द्वारा ठीक है एंड पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है भारत का जो राष्ट्रपति होता है ठीक है या प्रेसिडेंट जो है वो इन तीनों जो आ, फोर्स सिक्योरिटी फोर्स जो है इंडिया में है ना उन तीनों का कमांडर होता है ठीक है या सेनापति होता है ठीक है जो फॉर्मेशन है इंडियन डिफेंस फोर्स का वो स्टेप से है मेजर डिविजन्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस इसमें क्या क्या आता है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इन तीनों का कमांडर इन चीफ कौन होता है प्रेसिडेंट होता है ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्मी के बारे में द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज प्राउड ऑफ हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अडॉन्ड डिसिप्लिन एंड डिवोटेड आर्मी आर्मी जो है मतलब इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की जो पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज जो है उनमें से एक है ठीक है भारत को मतलब कि प्राउड है किस चीज को लेकर कि उसके पास वेल ऑर्गेनाइज एडॉन्ड है ना सुसज्जित सुसंगठित अनुशासित एंड डिवोटेड आर्मी है ठीक है है ना समर्पित आर्मी जो हेडक्वार्टर है आ, आर्मी का वो कहाँ पर है न्यू दिल्ली में ठीक है एंड जो चीफ है आर्मी स्टाफ का ठीक है हु इज ऑफ द रैंक ऑफ अ जनरल इसकी रैंक क्या है जनरल ये हेड होता है आर्मी का ठीक है जनरल की इसकी जनरल की रैंक होती है है ना आर्मी में सेवरल ब्रांचेस होती है जैसे इन्फेंट्री सवारी है ना टैंक्स आर्टिलरी जो तो खाने से रिलेटेड जो होते हैं ना वो इम्यूनिशन प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स व्हीकल मेडिकल एंड इंजीनियरिंग और भी कई सारी इसकी ब्रांचेस है आर्मी की ठीक है द आर्मी हैज बिन ऑर्गेनाइज इन टू फाइव कमांड्स आर्मी जो है वो फाइव कमांड्स में ऑर्गेनाइज है, है ना? कौन कौन सी फाइव कमांड्स द सेंट्रल द ईस्टर्न द वेस्टर्न द नॉर्दर्न एंड द साउथर्न कमांड्स ठीक है commands. The central, the eastern, the western, the commands. ये कमांड्स है इसकी सारी फाइव कमांड्स है ठीक है हर एक जो कमांड है उसका सेपरेट हेड होता है और वो अपने कमांड के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल uh, होता है ठीक है जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी जो रैंक होती है वो स्टेप्स से जैसे द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी आर्मी में जो ऑफिसर की जो रैंक होती है है ना वो ये होती है कि uh, मतलब कि सबसे जो मेन हेड जो होता है वो कौन होता है जनरल ठीक है उससे नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल है ना ब्रिगेडियर कॉल फिले लेफ्टिनेंट कॉलोनल ठीक है कर्नल जिसको कहा जाता है, है ना मेजर कैप्टन लेफ्टिनेंट ये इनकी पोस्ट होती है ठीक है ये सबसे बड़ी होती है ये वाली और ये सबसे छोटी वाली इसी टाइप से सोल्जर्स की भी पोस्ट होती है सोल्जर में मेजर uh, होता है सूबेदार हवलदार नायक है ना लांस नायक और सोल्जर ठीक है इस टाइप से ये होते हैं देन आर्मी इंडिया इज अ पैनन्सूला इट इज सराउंडेड विद वॉटर फ्रॉम थ्री साइड द कोस्टल एरियाज इन इंडिया आर वास्ट इन द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट द अरेबियन सी एंड इन साउथ द इंडियन ओशन इंडिया जो है वो पैनेंसूला है पैनन्सुला मैंने बताया था पैनन्सूला किसको बोलते हैं ऐसा मतलब कि ऐसा भूभाग जो तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हो या तीन साइड उसके वाटर बॉडी हो ठीक है तो भारत तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है है ना कोस्टल एरियाज जो है इंडिया के वो वास्ट है बहुत विशाल है ठीक है तटीय क्षेत्र जो होते हैं इसके इंडिया के ईस्ट में हम लोग देखें तो क्या है बे ऑफ बंगाल वेस्ट में अरेबियन सी एंड साउथ में क्या है इंडियन ओशन है ठीक है अब ये जब वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है तो इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कोस्टल एरियाज को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइज एंड पावरफुल नेवी है ठीक है जिसकी जरूरत है है ना इसके अनुसार अगर लोग देखें तो इंडिया के पास वो है एंड इसका जो हेड होता है वो कौन होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड इज एन एडमिरल है ना इसका जो हेड होता है वो कौन होता है चीफ होता है नेवल स्टाफ का चीफ होता है और वो क्या, कौन है एडमिरल ठीक है मतलब नेवी में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो किसकी होती है एडमिरल की नेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी आ, कितने थ्री एरिया कमांड होते हैं इसके ठीक है इसमें डिवाइड है कौन कौन से ये थ्री ईस्टर्न नेवल कमांड है ना जो कि विशाखापट्टनम में है वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है एंड साउदर्न नेवल कमांड जो कहाँ पर है कोचिन में है। हर एक कमांड जो होता है इसका अपना खुद का एक चीफ ऑफिसर होता है ठीक है और इसकी जो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी रैंक क्या होती है वाइस एडमिरल पोस्ट ठीक है नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है न्यू न्यू दिल्ली में ठीक है आ, यहाँ पर देखो उसका रैंक देके रखी है ऑफिसर्स की सबसे बड़ा ऑफिसर कौन होता है एडमिरल फिर वाइस एडमिरल रियर एडमिरल एड्मिर, ठीक है कमोडोर इस टाइप से ये सब देके रखा है द मैन नेवल वारशिप ऑफ इंडिया आर इंडिया के जो मैन वारशिप्स है ना जो युद्ध वगैरह जो जिसको कहा जाता है वो कौन कौन से आई एन एस नीलगिरी हिमगिरी देवगिरी तारागिरी है ना विंध्य गिरी जिसको कहा जाता है है ना एंड आई एन एस गोदावरी ठीक है ये जो नेवी है है ना वो क्या करती है uh, मतलब कि इसके नेवी के पास सर्वे शिप्स हैं जो सर्वे करते हैं एंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ठीक है, है थीके? Uh, इसके अलावा uh, टू फ्लीट्स हैं मतलब दो जहाजी बेड़े हैं है ना वेस्टर्न फ्लीट पहला और दूसरा कौन सा है दूसरा है uh, से, uh, सेकेंड वाला कौन सा है ईस्टर्न ठीक है वेस्टर्न फ्लीट एंड ईस्टर्न फ्लीट्स ठीक है शिपयार्ड जो होते हैं शिप यार्ड कहाँ पर से, सेटअप किए गए कोलकाता एंड गोवा में शिप्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं बनाए जाते हैं कहाँ पर विशाखापट्टनम में ठीक है कई सारे जो शिप्स है सब एंड स्मॉलर क्राफ्ट जो है ये आ, मतलब कि नेवी के लिए आ, इस ये जो यार्ड होते हैं ना शिप यार्ड वहां पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ठीक है 2001 में अ ज्वाइंट कमांड ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स हैज बिन सेटअप इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2001 में क्या किया गया था कि uh, तीनों जो कमांड है कौन कौन सी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों जो फोर्सेस का जॉइंट कमांड सेटअप किया गया था कहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अ न्यू सेंटर ऑफ नेवी आई कादंबा हैज बिन एस्टेब्लिस्ड इन कारबार इट इज सिचुएटेड हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम गोवा एक न्यू सेंटर जो है नेवी का ठीक है क्या नाम है उसका आईएनएस कादम्बा, कादंबा ठीक है ये जो सेंटर है ये कारवार में मतलब कारवार में स्टेब्लिश किया गया है, है ना और ये गोवा से हंड्रेड किलोमीटर दूर है ठीक है अभी हमने आर्मी एंड नेवी के बारे में पढ़ा नेक्स्ट पीरियड में हम एयरफोर्स के बारे में रीड करेंगे ठीक है थैंक यू